कुमायूं के साथ ही देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक अष्टदशभुजा महालक्ष्मी मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी बालकृष्ण यति जी महाराज के निर्वाण दिवस पर मंदिर के कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर मंदिर के पीठासीन वर्तमान व्यवस्थापक स्वामी सोमेश्वर यति जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मलीन गुरु जी के निवारण दिवस पर माल्यार्पण कर और वृक्षारोपण कर उनका स्मरण किया गया। साथ ही हर वर्ष की भांति उनके निर्वाण दिवस पर आई कैंप और चिकित्सा शिविर विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में लगाया जाता है, जो इस बार कोरोना काल के चलते अगस्त में लगाया जाएगा। इस शिविर के दौरान लाभार्थियों को मुफ्त में रोगों की जांच के साथ ही दवा चश्मा मुफ्त में वितरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा, इस अवसर पर मंदिरों में गुरु की विशेष पूजा पाठ की जाती है। 27 जुलाई 2013 को वाराणसी में अपने शरीर त्याग किया था। उन्हीं की पावन स्मृति में उन्हीं के निर्वाण दिवस के रूप में हम लोग 27 जुलाई को आज महाराज की पावन पुण्य तिथि के रूप में वृक्षारोपण की तरह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत के अभियान हम लोग उनके जन्म दिवस निर्वाण दिवस के इस पावन अवसर पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सुंदरकांड का यह आयोजन किया गया है और यहाँ पर पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण पूजन और प्रसाद वितरण का आयोजन रखा गया है। प्रतिवर्ष यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, सभी क्षेत्रवासियों को निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क चश्मे दिए वितरण किए जाते हैं। हमारे हल्द्वानी शहर के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं हर विभाग के, उनको हम महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट समिति उनको आमंत्रित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और ताकि वह हमारे इस मंदिर में आए हुए जितने गरीब जनता है जो अधिक फीस है अस्पताल में नहीं दे सकते हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया जा सके। यह परिस्थिति है देश की कि हम चाहते तो मन से बहुत हैं कि यह कार्यक्रम हो, किंतु प्रोटोकॉल और जो कोरोना की जो स्थिति दिन प्रतिदिन अभी बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इन सबको देखते हुए जैसे ही इसमें सुधार होगा अभी आगे आने वाले कुछ महीनों में हम आप होगा कैंप मेडिकल कैंप का आयोजन करेंगे।